आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम BHEL के शेयर के बारे में। BHEL में आपको देखने को मिला पिछला हफ्ता, कह सकते हैं काफ़ी ठीक रहा भेल के लिए, भेल के नज़रे से, और स्टॉक कोशिश पूरी किया देखिए अब पिछले हफ्ते में बढ़ने का। तो इस बीच दोस्तों एक नए एक्सपर्ट ने एक टारगेट दिया है, एक नया टारगेट निकल के आया है, और वो टारगेट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो वो टारगेट आपको चौंका ज़रूर देगा, बिकॉज क्या वापस से भेल ऐसा कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन्होंने क्या टारगेट दिया है, क्या स्ट्रैटेजी बना के चलनी है यहाँ पे BHEL के अंदर, आने वाले हफ्ते के अंदर कहाँ तक स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और स्पेशली मंडे को BHEL में कितनी आपको तेज़ी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, या आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, BHEL ने फ्राइडे के सेशन के अंदर आपको ठीक ठाक तेज़ी करके दिखाई, 55.30 रुपये पे क्लोजिंग दिया, 60 पैसे बढ़ता हुआ देखने को मिला, 1.10% भेल के अंदर आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। भेल में अगर आप देखेंगे लास्ट 5 डेज़ के अंदर तो स्टॉक ने करीबन 3% के आसपास की बढ़त दिखाई। एंड अब आपको दोस्तों देखने को मिलेगा लास्ट 1 मंथ के अंदर स्टॉक के अंदर सिर्फ 3.91% की गिरावट बची हुई देखने को मिल रही है। भेल लगातार दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पूरी पूरी कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है बढ़ने की, और यही आपको साफ साफ देखने को मिलेगा लास्ट 5 डेज़ के अंदर 2.88% से ज़्यादा देखिए BHEL बढ़ता हुआ देखने को मिला। और स्टॉक जहां शुरू हुआ था उससे अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग बहुत बढ़िया थी, और हफ्ते के सबसे हाईएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्राइडे के सेशन के अंदर, तो फ्राइडे के सेशन के अंदर भी एक हाई बना था करीबन 56.20 रुपये का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली नीचे आया, लेकिन जहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा था दिन के लो से, वहाँ से जो रिकवरी आपको देखने को मिली दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मैसिव थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। अब इसी बीच दोस्तों जो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, तो एक्सपर्ट्स भी अब नए टारगेट्स देने चालू कर दिए हैं यहाँ पे BHEL के ऊपर। अब क्या टारगेट दिया है एक्सपर्ट ने, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो खबर निकल के आई है वो CNBC TV18 की तरफ से निकल के आई है। उनके एक एक्सपर्ट जय बल्ला की तरफ से एक नया टारगेट निकल के आया है BHEL और AFL इंडिया पे। हमको देखिए BHEL के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो क्या उन्होंने टारगेट दिया है BHEL के ऊपर, चलिए ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स लगातार अपने हाईएस्ट गेन्स आपको दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं, और लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 5th स्ट्रेट वीक बढ़ता हुआ देखने को मिला, निफ्टी में पॉजिटिव रिटर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार। तो इसी बीच उन्होंने साफ साफ कहा कि जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिलेगा, और ग्लोबल मोमेंटम तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। US इंडाइसेस आपको देखने को मिलेगा ऑल टाइम हाईस पे देखने को मिल रहे हैं, और हम भी उसके साथ साथ काफ़ी बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा देर इज़ नो डाउट अबाउट इट बिकॉज द लिक्विडिटी इज अवॉश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द काइंड ऑफ मनी फ्लोज दैट वी आर सीइंग इज जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन, एंड द ग्लोबल मनी फ्लोज विच कमिंग थ्रू द IPO मे नॉट शो अप टू मच इन द सेकेंडरी मार्केट, बट डेफिनेटली द IPO साइड ऑन द प्राइवेट इक्विटी साइड दोज फ्लोज आर विजिबल थ्रू द ग्राउंड। तो देखिए सबसे मेन रीज़न अगर आप देखेंगे हमारे मार्केट्स के बढ़ने का, तो वो देखिए दोस्तों लिक्विडिटी, जिस तरह से देखिए ग्लोबल फंड्स यहाँ पे आपको पैसा डालते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे मार्केट के अंदर पैसा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, भले वो रिटेलर्स हो यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो, सब लोग देखिए काफ़ी भर भर के पैसा डाल रहे हैं, और इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा निफ्टी और सेंसेक्स ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी करके दिखाई। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 50 में से 47 शेयर्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मिड कैप इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बाजार के अंदर जो पार्टी है वो देखिए पूरी तरह से आपको देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट अधिकतर शेयर्स ने परफॉर्म करके दिखाया है। तो अब इसी बीच उनसे पूछा गया दो स्टॉक के बारे में, उनसे पूछा गया कि कोई दो स्टॉक बताइए जो आगे बढ़िया कर सकते हैं, तो उनका साफ साफ कहना था कि एक स्टॉक होने वाला है BHEL। अब BHEL क्यों बढ़िया कर सकता है, देखिए उनका एक क्या पे साफ साफ मानना क्या है, तो उनका देखिए उन्होंने सबसे पहले कहा BHEL के ऊपर, तो जो बिग ट्रेड्स रह सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, याद रखिएगा अगले हफ्ते यानी जो कल से चालू होने वाला है, जय बल्ला सेड आई थिंक BHEL हैज गॉट अ वेरी बिग मूव कमिंग, इट इज हैड अ साइजेबल मूव ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स एंड साइजेबल करेक्शन। याद रखिएगा कोई शेयर में अगर करेक्शन आपको आता हुआ देखने को मिलता है, तो वो करेक्शन से वापस से आगे तेज़ी बनने के लिए वो करेक्शन बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है स्पेशली।
और अब यही दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि भेल आने वाले समय के अंदर जिस तरह से यहाँ पे आपको कामकाज करता हुआ देखने को मिलने वाला है, बिकॉज एक करेक्शन होता हुआ देखने को मिल गया, एक पूरा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल गया है, तो उनको साफ साफ मानना है कि BHEL एक शेप में आ रहा है जो आगे चल के एक बड़ा मूव देगा, और हो सकता है कि 80 टूवर्ड्स, याद रखिएगा 80 प्लस के टूवर्ड्स आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। कोई स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो 49 रुपीज़ उन्होंने कहा है कि स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए, होल्ड करिए BHEL को, 80 रुपये आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर स्टॉक आपको दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है दोस्तों 80 रुपीज़ का लेवल, देखिए इसके भी काफ़ी कुछ जानिए आप क्यों। देखिए अभी BHEL को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 10,800 करोड़ का, ये BHEL का लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है 10,800 करोड़ का NPCIL की तरफ से, और ये ऑर्डर दोस्तों आप मान के चलिए सबसे बड़ा रीज़न रहने वाला है BHEL आगे क्यों बढ़िया करने वाला है। याद रखिएगा दूसरी बातें क्या है, सरकार की तरफ से एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का अनाउंसमेंट हुआ है, और उस अनाउंसमेंट के तहत जो एसेट मोनेटाइज करने सरकार को आने वाले 2 साल के अंदर पूरे वो हो जाएंगे कंप्लीट, और उसमें एक नाम है BHEL का। लगातार देखिए सुर्खियों में क्यों रहा है BHEL, बिकॉज वो एसेट मोनेटाइजेशन की बातें चलती रहती थी, और अब इसी बीच जो खबरें निकल के आ रही है वो साफ साफ यही है कि BHEL की भी एसेट मोनेटाइजेशन होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बने रहना है शेयर के अंदर, यहाँ से तेज़ी जो होगी वो विजिबल होगी आने वाले समय के अंदर, और भेल बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं मेरे टारगेट्स क्या होने वाले हैं, और अगला हफ्ता कैसा कर सकता है BHEL, और कल के टारगेट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये बात सच है कि BHEL ने एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन वाला पीरियड यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। लास्ट 5 डेज के अंदर क्या आपको देखने को मिला, स्टॉक कोशिश कर रहा था बढ़ने की और बढ़ा भी सही, लेकिन वो एक जो सपोर्ट बनाने की कोशिश किया वो दोस्तों बहुत क्रूशियल था आपको देखने को मिला। स्टॉक 50 रुपीज़ के बिलो अभी तक नहीं गया है, ये वाला वीक बहुत क्रूशियल रहने वाला है, बिकॉज ये वाला मेक और ब्रेक वीक रहेगा। अगर 49 रुपीज़ के नीचे चल जाता है इस हफ्ते तो आप मान के चलिए गिरावट काफ़ी तेज़ी से संभव है और काफ़ी नीचे जाएगा, लेकिन अगर अब आपको कल 56 रुपीज़ के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है आने वाले 1 घंटे के अंदर कल के, तो कल दोस्तों स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। इस पूरे हफ्ते मुझे लगता है कि BHEL एक बहुत बढ़िया एग्रेसिव ट्रेड रहने वाला है जो बढ़िया परफॉर्म करके दिखाएगा। तो करना क्या है कल BHEL के अंदर, करना कुछ नहीं है, करंट लेवल के आसपास बाय करके चलिए, शेयर का टारगेट रखिए कल का 57 रुपीज़ का, जो ऐसे लगाना है कल के लिए वो लगाना है करीबन यहाँ से 54 रुपीज़ का। पूरे एक हफ्ते की बात करूँ तो देखिए भेल के अंदर जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, बाइंग अब बन रही है, लोग यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ साथ बाइंग कर रहे हैं, तो BHEL के अंदर कल साफ साफ यही मुझे लगता है कि बिल्कुल बाइंग बनेगी, और पूरे हफ्ते में करीबन 60 रुपये का लक्ष्य आपको ये स्टॉक दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।